बिलासपुर की कांता देवी आज की महिलाओं के लिए किसी आदर्श से कम नहीं है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार विभाग द्वारा ऊना जिला में चलाए गए प्रशिक्षण शिविर में भोजपत्तल निर्माण का हुनर सीखकर कांता देवी ने अपने गांव की आसपास की 15 से 20 ग्रामीण महिलाओं को न केवल प्रशिक्षित किया बल्कि उन्हें घर द्वार पर ही रोजगार मुहैया करवाने का काम भी किया है। कहते हैं कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बिलासपुर की कांता देवी ने। कोटला गांव की रहने वाली साधारण सी कांता देवी ने सरकार की स्वरोजगार योजना को न केवल साकार करने का काम किया बल्कि कई महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार विभाग द्वारा समय समय पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया जाता रहा है ताकि विभिन्न उत्पादों के माध्यम से महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। वहीं ऊना जिले के ब्लॉक कार्यालय में पत्तल निर्माण के 3 माह के प्रशिक्षण में कांता देवी ने पुराने व आधुनिक भोज पत्तल निर्माण के गुर सीखे और फिर अपने गाँव के आसपास महिलाओं को भी इसकी जानकारी दी। वहीं कांता देवी का कहना है कि सरकार द्वारा डिस्पोजल प्लेटों पर प्रतिबंध लगाने के बाद से भोज पत्तलों की डिमांड ज्यादा बढ़ी है और इससे जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में भी काफी इजाफा हुआ है। जिला ऊना के बंगाणा ब्लॉक में 3 दिन का प्रशिक्षण पत्तल बनाने का लिया, जो मशीन हमारे हैदराबाद से आई हुई थी और सरकार से मेरा अनुग्रह है कि हमें भी ऐसी मशीन दिलाने की जो हमारे बिलासपुर में मिल जाए और लोगों की बढ़ती हुई मांग को हम पूरा कर सके। प्रशिक्षण लेके आए तो उसके बाद मैंने सोचा और मैंने 10-12 महिलाओं को साथ में इकट्ठा कर लिया कि हम पत्तल बनाने का काम किया करेंगे और जिससे ऐसा है कि हमारे घर का खर्चा निकल रहा है, जिससे हम 5 से 10 हज़ार तक महीने की आमदनी है। वहीं पत्तल कारोबार से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं इस काम से काफी खुश नजर आ रही है, जिससे उनकी आमदनी प्रति माह 10 से 15 हज़ार तक पहुँच गई है। जहां प्रशिक्षु महिलाओं ने कांता देवी का आभार जताया है तो साथ ही अन्य महिलाओं ने भी खाली बैठने के बजाय स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की बात कही है। मतलब हम बार बार जाने का मैं कोई चांस नहीं मिलता था जॉब करने का, फिर हम घर बैठे बैठे बोर हो जाते थे। फिर उसके बाद कांता देवी संपर्क में आई और ये इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया था। फिर इन्होंने बताया कि मतलब इस इतने साल से मैं प्रशिक्षण ले रही हूँ और इसकी वजह से मतलब मैं गांव वालों के लिए इसको मतलब प्रशिक्षित करना चाहती हूँ और इन्होंने मतलब पत्तल वगैरह का काम सिखाया, जिससे हमारे घर का खर्चा जो आसानी से निकल रहा है और 10-15 हज़ार हम आसानी से कमा रहे हैं। इसके लिए मैं इनका हार्दिक दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं कोई जॉब करना चाहती थी और कोई रोज़गार नहीं मिला, फिर ये कांता देवी ने बोला कि पत्तलें बनाने का काम कर लो, फिर हमने वो शुरू किया। कांता जी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमें पतले बनाने का काम सिखाया और रोज़गार भी मिल गया घर बैठे ही, और बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और महीने का 10-15 हज़ार घर में ही कमा लेते हैं। गौरतलब है कि समूह की ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न वैरायटी के भोज पत्तल एक खास तरह के टोर पत्तों से बनाए जाते हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं। वहीं भोजपत्तल के निर्माण के बाद इनकी बिक्री के लिए विभिन्न ब्लॉक कार्यालयों में जगह चिन्हित की गई है, जहां ये महिलाएं अपने उत्पादों को बेच अपनी आमदनी करती है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।